नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये शिवपुरी का हाईवे है और आप देख सकते हैं कि इस हाईवे पर किस तरह से अनलॉक में भागदौड़ होती है। जिंदगी को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लोग गाड़ियों से भागदौड़ में नज़र आने लगते हैं। सुबह से ही नज़ारा बहुत खूबसूरत हो जाता है क्योंकि अब लोग काम पर जाने लगे हैं, लोगों को काम पर पहुंचने की जल्दी रहती है। टैक्सी, टू सीटर, टेम्पो, कार, पैदल, हर प्रकार से लोग अब अनलॉक में भागदौड़ कर रहे हैं क्योंकि लोगों को जल्द से जल्द गंतव्य तक पहुंचना होता है। सुबह की शुरुआत अच्छी होती है तो निश्चय ही दिन अच्छा निकलता है। और झांसी में जैसे कि कोरोना को लेकर अब काफ़ी जागरूकता आ गई, हालांकि एक बात से लेकर लोग काफ़ी दुखी हैं कि जगह जगह पुलिस चेकिंग करती है, कभी हेलमेट को लेकर, कभी मास्क को लेकर। लोगों का कहना है कि लोगों के सामने आर्थिक समस्याएं हैं, ऐसे में चेकिंग को लेकर काफ़ी राहत देने चाहिए। भारतीय प्रजा शक्ति पार्टी ने भी यह बात कही है, उनका कहना है कि फिलहाल पुलिस चेकिंग करे लेकिन चालान काटने से राहत दे क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है और लोग कई प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं। ऐसे में यदि पुलिस चेकिंग करे, उन्हें सलाह दे, उन्हें सुझाव दे, लेकिन यदि चालान ना करे तो शायद लोगों को थोड़ी सी राहत मिले। फिलहाल जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आज आपने देखा भी होगा कि मीटर, विद्युत मीटर को लेकर स्लैब बनाए गए हैं, वह हमारे लिए आने वाले दिनों में परेशानी का सबब बन सकते हैं। कम बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं पर जैसा कि कहा जा रहा है ज़्यादा खर्च बढ़ेगा, फिलहाल इस खर्च को लोग कैसे वहन करेंगे यह आने वाले समय में तय होगा। लेकिन अभी फिलहाल आपत्तियां मांगी गई हैं, यह देखना दिलचस्प होगा कि इन आपत्तियों पर क्या सरकार एक्शन लेती है। फिलहाल आज झांसी में मौसम अच्छा है, यह आप सामने मंदिर देख रहे हैं जो कि नंदनपुरा हाईवे पर स्थित है। मंदिर बहुत अच्छा मंदिर है और इस प्रकार का जो खुला माहौल और मौसम हो रहा है, यह संभव है कि बहुत जल्द झांसी में आपको बारिश देखने को मिल सकती है। बारिश की पूरी संभावना नज़र आ रही हैं। फिलहाल आप सभी लोगों से एक निवेदन हम जैसे बार बार कर रहे हैं कि आप लोग जिस एरिया के बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, हमें उस एरिया के बारे में लिखें, लेकिन साथ में अपना नंबर ज़रूर लिखें। हम बहुत जल्दी कुछ नई चीज़ें लेकर आपके सामने आ रहे हैं। मार्केट संवाद आपके सामने कुछ नए कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है। इन कॉन्सेप्टों में हमारी इच्छा है कि हम कुछ नया करके दिखाएं और कुछ नया करने के लिए हमने कुछ प्लान तैयार किए, इस पर हम जल्द ही आपको अमल करके दिखाएंगे। फिलहाल आप सभी लोगों का जो प्यार और स्नेह मार्केट संवाद के लिए है, हम उसका आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसी प्रकार हमसे जुड़े रहेंगे। हम अच्छी अच्छी खबरों को और जानकारियों को लेकर आपके साथ आएंगे। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।